दोस्तों आज हम देखेंगे जो हमारा लास्ट वर्किंग सेशन था शेयर मार्केट का, उस शेयर मार्केट में शेयर के अप्स एंड डाउन्स कैसे रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारी 11 शेयर की सीरीज चली थी उसमें मैंने कुछ शेयर कवर किए थे, HDFC, AMC, NAM इंडिया और UTI AMC, ये सब एसेट मैनेजमेंट कंपनियां है दोस्तों। ये फ्राइडे के दिन आप देखिएगा 11.6% HDFC भागी है, NAM इंडिया 10.9% यानी कि ऑलमोस्ट 11% भागी है, UTI AMC जो है 8.2% भागी है दोस्तों। इसके बाद ये बायोकॉन तो हमारे उसमें नहीं था, फिनोटेक्स केबल ये कंपनी हमारे उसमें थी दोस्तों, ये देखिए ये 7.5% भागी है दोस्तों। GPIL भी 5.5% भागी है। सो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये 5% के ऊपर भागने वाली कंपनी है दोस्तों, जो चढ़ी है अपने प्राइस से उस दिन, है ना। और अगर हम इसी का रिवर्स देखें कि उस दिन कौन कौन सी कंपनियां गिरी थी और कितनी गिरी थी, तो दोस्तों ये हम देखते हैं कि MCX जो है ये बहुत ज्यादा गिरी थी। देखिए ये हमारे उसमें नहीं थी, अदानी ट्रांसमिशन ये भी हमारे उसमें नहीं थी, है ना। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ये है सीरीज में, लेकिन हमने इसको रिकमेंड नहीं किया था दोस्तों। हिंदुस्तान फूड्स ये एक अच्छी कंपनी है दोस्तों, जो कि हमारे उसमें थी, लिस्ट में थी, तो अपन चाहे तो इसको परचेस कर सकते हैं। अगर ये 4.5% गिरी है और मंडे में भी इसमें गिरावट कंटिन्यू रहती तो हिंदुस्तान फूड हम चाहे तो परचेस कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद सोलार इंडस्ट्री भी एक अच्छी कंपनी है दोस्तों, जिसको हम परचेस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें कि अभी भी अपने बाइंग लेवल के आसपास कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसको हम परचेस कर सकते हैं दोस्तों, तो हम इसको इस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं दोस्तों। देखो आज की कंडीशन में ये ATGL अदानी टोटल गैस लिमिटेड एक कंपनी, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता जब तक इनके सारे वो सब क्लियर नहीं हो जाते। अदानी ट्रांसमिशन इसको भी मैं रिकमेंड नहीं करता, वक्रांगी को भी मैं रिकमेंड नहीं करता, अदानी ग्रीन को भी मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन बजाज फिंसर एक बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, आप लोग चाहो तो इसको इमीडिएट परचेस कर सकते हो। इसके बाद पिरामल ये जो एंटरप्राइजेस लिमिटेड है इसको भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तों, इसको आप चाहो तो अपने सब स्टडी करके आप देख सकते हो। लेकिन ये सारी कंपनियां जो 50% से ऊपर या 20% से ऊपर गिरी हुई है वो सारी कंपनियों को हम रिव्यू कर रहे हैं। तो अभी तक जो कंपनी हमने रिव्यू की है इसमें बजाज फिंसर एक लेने लायक कंपनी दोस्तों। इसके बाद देखिए कैंपस आपने नाम सुना होगा, फुटवेयर की कंपनी है कैंपस देखिए 51% अपने पीक प्राइस से गिरी हुई है। सो इसमें आप चाहो तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद अदानी विल्मर ये भी 50% से ज्यादा गिरी हुई है, लेकिन मैं इसको अवॉइड करने को बोलूंगा दोस्तों आज की डेट में आपको। पॉलीप्लेक्स देखिए, पॉलीप्लेक्स भी आज 48% अपने पीक प्राइस से गिरी हुई है, आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। आरती इंडस्ट्री आप देखिएगा इसमें ये भी 45% से ऊपर गिरी हुई है, सो आप चाहो तो इसको इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हो दोस्तों। अदानी एंटरटेनमेंट, अदानी पावर इसको मैं भी रिकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तों, थोड़े समय बाद इसको स्टडी करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद राजरत्न ग्लोबल वायर ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, इसमें चाहो तो आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो। फिर नायका में मैं अभी रिकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तों लेने के लिए, लॉरस लैब इसको मैं अभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। बालाजी एमआईएस देखिए 40% पीक से गिरी हुई है, आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। सुप्रिया लाइफ साइंस ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, ये भी पीक से 40% गिरी है, चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ग्रीन पैनल इंडस्ट्री ये भी अभी पीक से 36% गिरी हुई है दोस्तों, आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हो। आवास फाइनेंसर्स ये भी अभी पीक से 36% गिरी हुई है दोस्तों, आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हो। फिर ऊर्जा ग्लोबल इसको मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। लक्ष्मी केमिकल ये 35% अपने पीक से गिरी हुई है दोस्तों, आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हो। यस बैंक मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। फाइन ऑर्गेनिक्स 33% गिरी हुई है, बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, इसमें आप इन्वेस्ट होके चल सकते हैं। इसके बाद थायरोकेयर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तों। क्रॉम्पटन ये भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तों। हिंदुस्तान फूड एक बहुत अच्छी कंपनी है, आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हो दोस्तों। फिर पेज इंडस्ट्री आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हो, लेकिन शेयर बहुत महंगा है, तो जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इसको एवरेज नहीं कर पाते हैं बाद में, तो उस तरीके से आप अपने पोटेंशियल को देख के सोच सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद फ्लोरोकेमिकल ये बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, इसमें इन्वेस्ट होकर चल सकते हैं। GMM फर्टिलाइजर बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, इसमें आप इन्वेस्ट होकर चल सकते हैं। टाटा एलेक्सी एक नंबर कंपनी है दोस्तों, इसमें आप इन्वेस्ट होकर चल सकते हैं। शीला फोम लिमिटेड बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, इसमें आप इन्वेस्ट होकर चल सकते हैं। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट होकर चल सकते हैं। फिर अतुल लिमिटेड बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, इसमें इन्वेस्ट होकर चल सकते हैं आप।
टीटीके प्रेस्टीज, ये बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, इसमें आप इन्वेस्ट होकर चल सकते हैं। वोल्टास लिमिटेड अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा दोस्तों, इपका लैब इसको भी रिकमेंड नहीं करूंगा, आईईएक्स को भी रिकमेंड नहीं करूंगा दोस्तों। भारत रसायन एक बहुत अच्छी कंपनी है, आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट होकर रह सकते हो। फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, इसमें आप इन्वेस्ट होकर रह सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ 25% से ज्यादा गिरी हुई कंपनियां थी जो मैं आप लोगों को दिखाया, आप लोग चाहो तो इसमें इन्वेस्ट होकर चल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।